देश भर में ईद उल जुहा का त्योहार शांति और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल जुहा के मौके पर मस्जिदों में नमाज पढ़ी और एक दूसरे को मुबारकबाद देकर खुशी का इजहार किया। नमाज के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बकरीद के मौके पर दिल्ली में भी हर्षोल्लास दिखाई दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने भी लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस दौरान जामा मस्जिद के आसपास हजारों लोग मौजूद रहे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज पढ़ी, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, खुशियां मनाएंगे और कुर्बानी करेंगे घर जाके, और बच्चों को तिवारी देंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे, खुशी का इजहार करेंगे और आप सब लोगों को भी मुबारक। देखिए, नमाज के बाद जो है अब कुर्बानी का जो रस्म होती है उसको हम लोग अदा करेंगे घर जाके। जो जानवर की कुर्बानी हम लोगों को करनी होती है, बकरे की कुर्बानी हम लोग घर जाके उसकी अदायगी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुर्बानी देंगे अल्लाह की राह में बकरी ज़बह करेंगे, और जो गरीब लोग हैं उनमें हम बांटेंगे, तकसीम करेंगे और अच्छे से मनाएंगे ईद, खुशियों का त्यौहार। ईद मुबारक हमारी जानिब से सबको ईद मुबारक। हम यहाँ से जाकर कुर्बानी करेंगे, उसके बाद उसका कुछ इन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कुछ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी एक हिस्सा अज़ीज़ अक़ारिब के लिए, एक गुरबा के लिए। ये तकसीम इस तरह है और बेहतर होता है कि इस तरह तकसीम करें, और इसके बाद ही हमें कुछ इस खाना करना होता है कुर्बानी के बाद। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की जामे मस्जिद पर हूँ, जहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी हो चुकी है। अब यहाँ से लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, मगर नमाज की अदायगी के बाद का ये पूरा प्रोसेस क्या है, 3 दिन तक क्या कुछ होने वाला और किस तरीके से ईद को सेलिब्रेट करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग घर जा रहे हैं, कुर्बानी की शुरुआत होगी, क्या पूरा प्रोसीजर होगा, कैसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेशन की बात नहीं, कुर्बानी की बात है। इस वक्त जाके जो है हमारी प्रायोरिटी होगी आज के दिन की, कि अपने जो कुर्बानी के जानवर हमने ख़रीदा है उसको कुर्बान करें, और उसको कुर्बान करने के बाद उसका जो तरीका बताया गया है उसको तकसीम करने का, उसके इस्तेमाल करने का, कि उसके 3 हिस्से करके उसको गुरबा में अपने रिश्तेदारों में और अपने लिए उसको बराबर का तकसीम करें। नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब भी मिलता है इस किस्म की, जितने ज़्यादा नमाजी होते हैं उतने ज़्यादा सवाब बढ़ जाता है लोगों के लिए, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ ज़्यादा नमाजी हों वहीं नमाज़ पढ़ी जाए। तो अब ज़ाहिर तौर पर दुआएं भी की जाती हैं, दुआ जिसमें सबकी खुशहाली के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। हाँ बेशक, क्योंकि यहाँ जो जमा है ये नमाज, जो 2 रकात नमाज हम पढ़ते हैं ये शुक्राने की नमाज है, कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने ये मौका दिया कि उसको हमें दिन दिखाया, और पूरे आलम के लिए, पूरे इंसानियत के लिए बेहतरी की, अमन की, और दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है वहाँ पर जो है अल्लाह मियाँ जालिमों के अमन कायम करें। ज़ाहिर तौर पर ईद उल अज़हा एक ऐसा दिन जब हज की अदायगी के बाद कुर्बानी तो होती है, लेकिन उस हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के उस ख्वाब की ताबीर को याद करते हुए लोग कुर्बानी देते हैं, लेकिन दुआएं, उन दुआओं में मुल्क की सलामती, अमन शांति के लिए होती है, ताकि हर शख्स अमन सुकून के साथ रह सके। दिल्ली की जामा मस्जिद से कैमरा पर्सन जग्गा के साथ जब्बार खान, R9 TV।